अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पकाओ दिल से। जनाब, हमने एक नारा बुलंद किया है जी, पकाओ दिल से। बिल्कुल दिल से बनाइए और दिल से इसको खिलाइए भी। आज हम आपके लिए बहुत ही एक शानदार सी, ज़बरदस्त सी, चटखारेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी क्या है, इसके लिए आपको हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो देखना पड़ेगा और आप देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। रेसिपी क्या है, हमारी रेसिपी है चटखारा कबाब कढ़ाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, हम आ गए यहाँ पे चटखारा कबाब बनाने के लिए। कबाब कढ़ाई कह सकते हैं आप इसको। कीमा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 300 ग्राम। ये है ज़ीरा पाउडर, ये है हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर और ये है चाट का मसाला। ये चाट का मसाला 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये चला गया। अच्छा, थोड़ी सी इसमें हम एक छोटे साइज़ की प्याज ले लेंगे। ये गई प्याज। अच्छा, इसको मोटा मोटा हमने रखा हुआ है क्योंकि हमें इसको पीसना है। ये गई। इसके बाद हम डालेंगे एक डबल रोटी का स्लाइस, एक ब्रेड स्लाइस मैंने ले लिया और इसको हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये गया। और डालेंगे 2 से 3 हम इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा जाएगा इसमें ये हरा धनिया, ठीक है, तकरीबन जैसे 2 टेबल स्पून। ये चला गया। अब मैं काम करती हूँ कि इसको मैं चॉपर में डाल के पीस लेती हूँ। पीसने के बाद जैसे मुट्ठी कबाब बनाते हैं उसी तरह से मैं कबाब बनाती हूँ और एक मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी और फिर साथ आप देखिएगा कि आगे हम इसको कैसे लेके चलते हैं। चले जी, अब हम कबाब बनाना स्टार्ट कर। थोड़ा सा मैं अपने हाथों को ग्रीस करूंगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ये ऑयल ले लिया और अब हम मीडियम साइज के सारे कबाब बना लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम तैयार हो गए। अब आप देख सकते हैं पैन गरम हो गया है, कबाब हमारे तैयार हैं। अब डालेंगे हम इसमें ऑयल और ऑयल जाएगा इसके अंदर 4 टेबलस्पून। ये गया। और अब हम ये जो हमने कबाब तैयार किए हैं ये इसको हम एज इट इज डाल दें। ये क्या। अच्छा, अब मैं इसको फ्राई करी। फ्राई करने में हम बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे बट हम चाहेंगे ये कि अच्छे अंदर तक कुक हो जाए, सही है। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये बेहतरीन कबाब बनते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं काम करूँगी कि इसमें ये डालूंगी प्याज, जो एक बड़े साइज़ की प्याज थी, हमने इसको मोटा मोटा कट कर लिया है। आँच आपने हल्की ही रखनी है। अच्छा, एक काम हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये चिकन स्टॉक है तकरीबन 1/2 कप। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा चिकन स्टॉक। इसमें डालेंगे हम कुटी हुई काली मिर्च, वोस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है। ये गैस में 2 से 3 टेबलस्पून भर के थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। ये गया कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से एक हल्की सी थिकनेस आ जाएगी। इसको मिक्स मिक्स मिक्स, चलिए ज़रा सा इसको, ताकि ये हमारा जो कॉर्नफ्लावर हमने इसे मिक्स किया था तो अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। चल, और ये बारी आती इसको ऊपर से पोर करने की। क्या ज़बरदस्त से आपके ये चटखारा कबाब तैयार हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ हरी मिर्चें रखी हुई हैं, वो अभी नहीं डालती। थोड़ा सा सॉस ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल इस पर कोट हो जाए, रनी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और हो जाए। ताकि सॉस का फ्लेवर जो है वो अंदर तक चला जाए। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, इसको भी हमने, अब आपने देखा क्या ज़बरदस्त सा सॉस है। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर, क्योंकि प्याज को और हरी मिर्चों को हमने सॉफ्ट नहीं करना, ज़्यादा बेहतरीन। चलें जी, अब बारी आती है कि हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। कबाबों को आप फ्राई करके रख सकते हैं पहले से, लेकिन क्या है कि आपने इसको सॉस में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करना है, क्योंकि देखिए अगर सॉस अगर पहले से ज़्यादा पक जाएगा, सॉस में चीज़ें पक जाएंगी प्याज वगैरह, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। ये आप देख सकते हैं।
कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, यानी चटखारा कबाब कढ़ाई। इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है जनाब, आई एम श्योर कि जब आप बनाएंगे तो एक धमाल हो जाएगा, एक मज़ा आ जाएगा घर में। सब कहेंगे जी आप सुबह में भी बना लें, शाम में भी बना लें, कल का मसला तो हल हो गया आपका कि कल आपने क्या बनाना है। ये आप बिल्कुल चटखारा कबाब कढ़ाई बनाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल जनाब सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए हमारा चैनल पकाओ दिल से। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it